मणिपुर में जातीय हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि हिंसा भड़काने वाले व्यक्तियों, समूहों और सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की और कहा कि आप गलत सूचनाएं या गलत अफवाहें ना फैलाएं। आपको बता दें कि अब तक 1593 छात्रों सहित 35,655 लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा चुके हैं। वहीं 231 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और लगभग 1700 घर जलाए जा चुके हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ ने एक बार फिर से नया फरमान जारी किया है। एलन मस्क ने हजारों अकाउंट को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका असर लोगों के फॉलोअर्स पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि इनमें वो ट्विटर अकाउंट शामिल रहेंगे जो काफी समय से निष्क्रिय हैं। दरअसल एलन मस्क ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि जिन अकाउंट पर कई सालों से कोई ट्वीट नहीं किया गया है या लॉगिन नहीं किए गए हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। इसराइल ने आज सुबह गाजा पट्टी पर हवाई हमलों में उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडरों को मार गिराया। फिलिस्तीन के एक संगठन के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमलों में संगठन के कमांडरों के साथ उनके परिवार वाले भी मारे गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस एयर स्ट्राइक में कुल 9 लोगों की जान चली गई है। दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अंबानी 13वें से 12वें पोजीशन पे पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में श्रीखंडी से इंदौर जा रही बस आज सुबह 8:30 बजे के आसपास डोंगर गांव के पास बोराड नदी के पुल के नीचे जा गिरी। आपको बता दें कि हादसे में मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चालक, परिचालक और क्लीनर भी शामिल हैं। इसमें 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनका इलाज खरगोन जिला अस्पताल में जारी है। नीट परीक्षा एक बार फिर से विवादों में आ घिरी है, जहां चेकिंग के नाम पर खुले में अभ्यर्थियों के कपड़े बदलवाए गए। परीक्षा सम्पन्न होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर आपबीती सुनाई है। दरअसल 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में हिस्सा लिया। उसके लिए देश भर में 4000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन नीट की कड़ी ड्रेस गाइडलाइन की वजह से अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ता है। एसोसिएट प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की जुझारू कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार सहित 2 पुलित्जर पुरस्कार मिले हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी युद्ध के बारे में अपनी स्पेशल स्टोरीज के लिए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग सम्मान अर्जित किया गया है। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और लॉस एंजेलिस टाइम्स ने इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। दक्षिण चीन सागर में सिंगापुर द्वारा आशियान भारत समुद्रिक सैन्य अभ्यास 2023 सफलता से पूरा कर लिया गया है। इसमें INS दिल्ली और INS सतपुड़ा ने अपनी क्षमताएं भी प्रदर्शित की हैं। वहीं अपने एक तरफा दावे वाले दक्षिण चीन सागर में भारत की मौजूदगी से चौकन्ने हुए चीन के कुछ जहाज भी सैन्य अभ्यास वाले समुद्र में बेहद करीब नजर आए। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस फिल्म को देश के सभी राज्यों में टैक्स फ्री किए जाने की मांग की है, जबकि आपको बता दें पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने इस फिल्म को सिनेमा घरों में बैन कर दिया है।